नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बिना किसी संकेत या वार्निंग के लेबर का शुरू हो जाना ऐसा बहुत ही अनकॉमन और अस्वाभाविक होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। निश्चित तौर पे आपकी बॉडी आपको कुछ ऐसे संकेत देती है, ऐसे लक्षण आते हैं जिससे पता चलता है कि लेबर नज़दीक आता जा रहा है। एक लंबे इंतज़ार के बाद सुखद का क्षण नज़दीक है। हॉस्पिटल का बैग तैयार करने का वक्त आ गया है। जल्दी ही हॉस्पिटल जाने का समय आने वाला है। लेबर की तीनों स्टेजेस में से सबसे अधिक लंबा समय लगता है लेबर की पहली स्टेज में, जिसे लेटेंट स्टेज कहा जाता है। कुछ प्रेग्नेंट फीमेल्स में ही बहुत अधिक लंबा समय लेती है, बहुत अधिक घंटों का समय लेती है, लेकिन कुछ फीमेल्स में ये कुछ मिनट्स का ही समय लेता है। एवरेज तौर पर प्रेग्नेंट वेमेन में ये इन दोनों के बीच का समय लेता है। हालांकि टिपिकल लेबर और बेबी बर्थ जैसा कोई सेट पैटर्न नहीं होता, एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, हर प्रेग्नेंट वुमेन में ये अलग होता है, वेरी करता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लेबर से लेके बेबी बर्थ तक की सभी चीज़ें नॉर्मल रहे और हेल्दी रहे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जानते हैं लेबर को अप्रोच करते हुए, लेबर के निकट पहुंचते हुए कुछ महत्वपूर्ण कॉमन लक्षणों को, जिनसे पता चलता है कि अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि बेबी के आने का समय निकट आ चुका है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही हेल्दी प्रेगनेंसी और बेबी की कम्प्लीट गाइड के लिए कीप वॉचिंग। लेबर क्विकली स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कॉमनली बहुत स्लो बिगिनिंग होती है इसकी, स्पेशली अगर आपका ये फर्स्ट बेबी है। तो चलिए फिर जानते हैं इम्पॉर्टेंट कॉमन साइंस को जो ये दर्शाते हैं लेबर का समय नज़दीक आ रहा है। पहले इम्पॉर्टेंट कॉमन साइन की यहाँ पे बात करें तो वो है बेबी ड्रॉप। बेबी ड्रॉप में बेसिकली बेबी पेल्विस एरिया में मूव कर जाता है और बेबी का हेड विद इन प्यूबिक बोन्स एंगेज हो जाता है। इसकी वजह से आपको पेल्विक एरिया में प्रेशर महसूस हो सकता है। कुछ एक विमेंस में फ्लैशेज ऑफ पेल्विक पेन भी होता है। इसे लाइटनिंग भी कहते हैं क्योंकि इसके होने के बाद आपको सांस लेने में थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा कम्फर्ट महसूस हो सकता है। बेबी ड्रॉप के बाद कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ हफ्तों का समय लग सकता है लेबर के शुरू होने में। म्यूकस प्लग का दिखाई देना, बाहर आना एक अर्ली साइन है लेबर के नज़दीक आने का। म्यूकस प्लग बेसिकली सील होती है सर्विक्स की ओपनिंग की। एक सिंगल ब्लॉक के तौर पे, पिंकिश जेली के तौर पे या फिर स्मॉल छोटे छोटे पीसेस के तौर पे बाहर आ सकता है। कभी कभी ये रेडिश ब्राउन या ब्लड टिंच्ड भी हो सकता है। म्यूकस प्लग का दिखाई देना, उसका बाहर निकलना एक अर्ली साइन है, एक लक्षण है सर्विक्स के स्ट्रेच, उसके ओपन होने का लेबर की तैयारी के लिए। म्यूकस प्लग के दिखाई देने से, उसके बाहर निकलने से आपके लेबर में जाने तक समय जो होता है वो वेरी कर सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन टू वुमेन ये कुछ घंटों का समय ले सकता है, कुछ दिनों का समय ले सकता है, कभी कभी ये कुछ हफ्तों का समय भी ले सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन है कि लेबर के शुरू होने के कुछ हफ्तों से लेकर कुछ दिनों तक आपको अपनी एनर्जी के लेवल में चेंज महसूस हो। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक या बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। बोथ आर परफेक्टली नॉर्मल। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है, ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको बहुत थका देने वाला काम नहीं करना है। आराम से रेस्ट कीजिए, ओवर एग्जर्शन बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए। प्रेगनेंसी में बैकएक यानी कमर दर्द का होना एक बहुत ही कॉमन साइन है, लेकिन जब लेबर का समय नज़दीक आ रहा होता है तो हल्का सा कमर दर्द या बैकएक होना भी एक लक्षण है। स्पेशली जब बेबी नीचे मूव डाउन कर जाता है तो पेल्विक एरिया में प्रेशर होता है बेबी ड्रॉप लाइटनिंग के बाद, जिसकी वजह से आप हल्का सा कमर दर्द भी महसूस कर सकते हैं। और कॉमन लक्षणों की बात करें तो वो है वाटर ब्रेक। एमनियोटिक सैक बेसिकली फ्लूइड से भरा होता है जो बेबी को सराउंड करता है आपके गर्भ में। इसकी स्किन के ब्रेक होने से फ्लूइड बाहर आ जाता है एक सडन गश की फॉर्म में, लेकिन मोर कॉमनली ये बाहर आता है ट्रिकल की फॉर्म में, यानी धीरे धीरे बहाव के रूप में।
इट्स अ वाइज थिंग कि वाटर ब्रेक के बाद आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और प्लान कीजिए आपको किस समय हॉस्पिटल जाना उचित है। और इसी के साथ ही 4 कॉमन चीज़ें हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है और इन्हें डॉक्टर को बताया जाना चाहिए। फ्लूइड का कलर किस तरह का है, फ्लूइड क्लियर है या नहीं, उसमें किसी तरह की स्मेल या ओडर तो नहीं है, किस समय ऐसा हुआ है। और चौथी चीज़ यहाँ पे है कि किस तरीके से हुआ है, सडन गश की फॉर्म में या ट्रिकल के फॉर्म में, यानी धीरे धीरे बहाव के रूप में। ये बहुत ही अनयूजुअल और अनकॉमन है कि आपकी फुल टर्म प्रेगनेंसी के पहले वाटर ब्रेक हो जाए। अगर ऐसा हुआ है तो तुरंत से डॉक्टर को संपर्क किया जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। इसी के साथ ही 3 और लक्षण हैं जिनके आने पर डॉक्टर को तुरंत से संपर्क करना है। अगर फ्लूइड का कलर ग्रीनिश है, थोड़ा सा ब्लड टिंज है, डॉक्टर को संपर्क कीजिए। इसके अलावा अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बेबी का मूवमेंट नहीं लग रहा है, अनयूजुअल है, रूटीन से कम है, वाटर ब्रेक के बाद डॉक्टर को तुरंत से संपर्क किया जाना चाहिए। लूज मोशंस या डायरिया एक संकेत है, एक लक्षण है कि लगभग 24 से 48 घंटे में लेबर शुरू हो सकता है। प्रोस्टाग्लैंडिंस नाम का हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली ये आपकी बॉडी का नेचुरल वे है बाउल को एम्प्टी करने का, उसे खाली करने का, ताकि यूट्रस यानी कि गर्भाशय एफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट हो। आखिरी संकेत यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस बेसिकली रेगुलर टाइटनिंग होती है आपके वोम का, जो काम करता है सर्विक्स को थिन आउट और ओपन करने के लिए, बेबी को बर्थ कैनाल में पुश डाउन करने के लिए। कॉन्ट्रैक्शन अगर समय के साथ ग्रेजुअली धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं, जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है और लंबा समय ले रहा है, तो ये एक निश्चित संकेत है कि लेबर शुरू हो चुका है। लेबर के शुरू होने के बाद कॉन्ट्रैक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग, लंबे और रिदमिकल फॉर्म में होते हैं, एक रिदम में रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाने 7 कॉमन इम्पॉर्टेंट साइंस जो ये दर्शाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि लेबर का समय धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है, बेबी के आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा, आपकी हेल्दी बेबी डिलीवरी में ज़रूर से ये योगदान देगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, ऐसे ही हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बेबी की कम्प्लीट गाइड के लिए। बेल आइकन को आप दबा सकते हैं हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू अ हेल्दी प्रेगनेंसी।